हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स कुकिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब त्योहारों का मौसम आ रहा है। रक्षाबंधन, तीज, करवा चौथ, दीपावली और भी बहुत से त्योहार हैं। अब जब त्योहार है तो मिठाई भी होगी और मुंह मीठा भी होगा, लेकिन काफ़ी लोग कोरोना की वजह से मार्केट से मिठाई खरीदने में काफ़ी डर रहे होंगे। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं नारियल की बर्फी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाते हैं नारियल की बर्फी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 2 सूखा नारियल, कद्दूकस किया हुआ। आप चाहे तो मार्केट से भी नारियल का बुरादा भी खरीद सकते हैं। 400 ग्राम मिल्क मेड कंडेंस मिल्क, 20 से 25 काजू, 5 से 6 इलायची, घी 2 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए, तब हम इसमें कद्दूकस किया नारियल डालेंगे और इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब कंडेंस मिल्क में नारियल का बुरादा अच्छे से मिक्स हो जाए और गाढ़ा होने लगे, तब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ काजू डालेंगे। इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद करके एक बड़ी सी थाली लेंगे और इसमें अच्छे से घी की ग्रीसिंग करेंगे, ये इस तरह से। अब हम इस थाली में मिक्सर को डालेंगे। ये हमने पूरे मिक्सर को थाली में निकाल लिया है। अब हम ग्रीसिंग स्पून की मदद से इसे अच्छे से पूरी थाली में फैला देंगे। ये देखिए, हमने बर्फी को अच्छे से थाली में फैला दिया है।
और हम इसे ठंडा होने के लिए 30 मिनट के लिए रख देंगे। ताकि ये अच्छे से जम जाए, ये देखिए ये हमारी बर्फी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे चाकू की मदद से बर्फी के आकार में चकोर काट लेंगे। ये देखिए ये हमारी बर्फी तैयार हो चुकी है। एक बार आप इसे घर में जरूर बनाएं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।